2014 15 में, जब हमारा 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था, वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की, और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता रोजगार पैदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोजगार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है, और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ़ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, लेकिन उसमें बच्चे हैं, ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं है। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज करना है।
12% इंक्रीज करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है, तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है, जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कहीं कभी इस तरह की हुई है। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। और हर एक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, हर एक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा, और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और रिनोवेशन, और रिनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल, दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा, और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाज़ार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग, मैंने पिछले साल ऐलान किया था दिल्ली बाज़ार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पे लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है, और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे, 1 बजे भी खरीद, अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से, या आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा, और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है, और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए, तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिज़नेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं, उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा। और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी, थोड़े से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ये सारी चीज़ें। क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग, इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का।
दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाजार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल जैसे ही हमने शुरू किया, उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं, शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ढेरों लोग। इस साल पौने चार लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में दो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है, तो 10 हज़ार रुपये पर मंथ एक आम आदमी का महंगाई के, इतने महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल स्कूल का ही बच गया, बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला देश, पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें 20 लाख 30 लाख 40 लाख का खर्चा आता है, आप GTB जाइए, LNJP जाइए, GB पंत जाइए, दिल्ली सरकार के 38 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसी में भी जाइए, सारा इलाज फ्री है, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा आपकी आप अमीर हो कि गरीब हो, BPL के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई टेस्ट कराना है, MRI कराना है, CT स्कैन कराना है, जो भी कराना है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री है। हॉस्पिटल में टेस्ट ना हो पाए आप प्राइवेट में करा लो, सारा रिम्बर्स किया जाता है। इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो है, मुझे नहीं लगता देश तो छोड़ो दुनिया में कहीं इस किस्म की हेल्थ सिक्योरिटी कहीं किसी भी राज्य के सिटीजन्स को दी गई है। ये अब जैसे आज वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है। कोई घर में बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो दिल्ली के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शिक्षा की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी। तो लोगों को महंगाई से, और चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। तीसरी, बिजली। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है, बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे, अब लोगों के जीरो बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो रही है, अब 24 घंटे पानी करेंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। केवल पानी फ्री नहीं, पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्या फ़ायदा है, तो पानी भी 24 घंटे आया करेगा, इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट, ये 5 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। इन 5 चीज़ों से दिल्ली के एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है। तो एक जो अच्छी खबर, दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियों में मैं जब भी जाता हूँ, नरक की ज़िंदगी है लोगों की। एक बारिश आ जाए तो पूरा कीचड़ ही कीचड़, सारी नालियाँ बाहर वो बहने लग जाती हैं। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क, नाली, पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन का काम ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ कॉलोनियां बच जाएंगी जो फॉरेस्ट की वजह से, ASI की वजह से, इन वजह से उनको परमिशन नहीं मिल पा रही, 100-125 कॉलोनियां बच जाएंगी। उसके अलावा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में ये 4 चीज़ों का काम पूरा हो जाएगा।
मैं समझता हूँ इससे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बड़ी मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी और लोग इज्जत की ज़िंदगी जी सकेंगे। चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार करता था तो कई जगह जाता था, लोग कहते थे जी रिश्ते नहीं आ रहे अच्छे। वो देखने आते हैं तो वो देखते हैं पहले तो जिस गली के अंदर सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नरक की ज़िंदगी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद लोगों के सम्मान मिलेगा और रिश्ते भी अच्छे आने चालू होंगे। यमुना को भी साफ़ करेंगे, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। उसके ऊपर मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि अगले चुनाव के पहले आप सब लोगों को ले जाके यमुना में डुबकी लगाएंगे। उसके लिए आज पूरा इसमें बजट के अंदर प्रोविज़न किया गया है। और एक जो आज सबसे बड़ा ऐलान किया गया जो आपने नोट नहीं किया वो है ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया, मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5-स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला के उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे थे। मैं मनीष जी को फिर से और पूरी उनकी टीम को बधाई देता हूँ इतना शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो नहीं, जरूर देखना चाहिए। देखो सारी एजेंसीज के अंदर अगर तालमेल होगा तो तरक्की होगी, सारा शहर भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। अगर तालमेल नहीं होगा तो तकलीफें आएंगी, पर 7 साल में बहुत तकलीफें आई, तो जब पुरानी तकलीफें झेल ली तो आगे वाली भी तकलीफें झेल लेंगे। पहली तो आप कह रहे हो कि तो 20 लाख 5 साल में, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 लाख जॉब्स यू शुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मोटे मोटे तौर पे देखो, इस टाइम थ्योरेटिकल तौर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये वो कहना बड़ा वो है। एक आदमी को तो यार नौकरी चाहिए और घर में शाम को पैसा चाहिए, महीने के अंत में पैसा चाहिए, किसी सेक्टर में मिल जाए। तो अभी तो ये है कि इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्पेशली लोअर तबके की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी तो वो लोग ये आदमी ये सोचता है यार कहीं भी कुछ भी नौकरी मिल जाए और घर का खर्चा चल जाए। तो अभी तो ये है कि सब लोगों को नौकरी मिले, फिर इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी इम्प्रूव करेंगे। अभी तो क्वांटिटी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, द क्वालिटी विल ऑल्सो, वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑल्सो। वी विल वर्क ऑन दैट। How many of those suggestions you find very good and very good have been included in the budget? इसमें हमने जब बजट में suggestions मांगे थे तो अलग अलग तरीके के suggestions आए थे, demands कम, suggestions कम, advices बहुत कुछ आया था। और इसमें लगभग लगभग एक sense of the suggestions आपको बोलूँ तो कहीं ना कहीं उसी में ये demand थी कि हमें आप बजट बनाओ तो रोजगार की बात करो, आप हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करो, कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है। तो अगर आज इस बजट का ओवरऑल सेंस आप कहें तो वहीं से निकला है, क्योंकि हम एजुकेशन पे, ग्रीन बजट और इन सब पे बात कर चुके, हेल्थ पे बात कर चुके थे, लोगों ने यही हमें कहा कि आप
और जो हमने पूरा रिटेल मार्केट को लेके जो पॉलिसीज बनाई हैं ये लोगों के बीच से ही निकल के आया। उसके बाद हमने उन जो भी सजेशंस आए थे उनके बाद हमने उन सजेशंस के फर्दर सेक्टर्स पे पूरी स्टडी कराई। हम मार्केट के एसोसिएशन से हमारी टीम्स जाके मिली सजेशंस के बेस पे, अलग अलग गांधीनगर से लेके कमला नगर और जितने भी मार्केट्स दिल्ली में फेमस हैं, क्लाउड किचन के लोगों से हम लोग जाके मिले, उनके साथ में उनका पूरा स्ट्रक्चर समझा, उनकी प्रॉब्लम समझी, सरकार का इंटरवेंशन कहाँ चाहिए और वो कितनी कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आज बोला वो सजेशंस ही उसका आधार बने। आप खुद देख सकते हो कि जितने डिटेल के अंदर आज बजट में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसी बंद कमरे में बंद बैठ के इस तरह की डिटेल्ड एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। So are you planning to give a single window system in Delhi as well? Is there a anything on those? Yes, yes. अभी एक यूथ को जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला पेटेंट से लेके और तमाम चीज़ों के लिए बहुत भागना पड़ता है। तो पहली बात तो जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ों को डोर स्टेप डिलीवरी पे ला दिया और बहुत सारी चीज़ों को फेसलेस कर दिया है, तो वैसे ही आज स्टार्टअप में जिस जिस चीज़ की एक यूथ को ज़रूरत है उन सबको या तो सिंगल विंडो या मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें डोर स्टेप पर उपलब्ध हैं उसके लिए फेसलेस हो गई हैं, तो उसी रूप में रखेंगे, किसी को भटकना ना पड़े। और सरकार की जो MN एक तरह से मैनेजमेंट यूनिट होगी इस स्टार्टअप को करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेशन सेंटर को चलाने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी, वो इस जिम्मेदारी को ज़्यादा निभाएंगे। सर, मेरा सवाल है इससे अलग है, बजट से अलग। परसों मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया विधानसभा में, काफ़ी पसंद भी किया गया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी इसको लेके काफ़ी हमलावर है। वो कह रही है कि आपने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके दर्द के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है आपने। देखो पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार कश्मीरी पंडितों का, एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका, क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है, केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो दो ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए, और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। दो सवाल वो तीर्थ यात्रा दोबारा कल से शुरू हो गई है वो, और वो चलेगी, उसमें बजट की कमी नहीं होने देंगे। जब जब ट्रेन जैसे जैसे मिलेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को हम भेज सकेंगे हम भेजेंगे। मैं खुद जब वो लौट के आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है तीर्थयात्रा करने के बाद वो आप वो इतनी इन्फेक्शस होती है, आप मिलिए उनसे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तीर्थयात्रा कराएंगे। MCD का जो बिल है वो केवल और केवल चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया, मतलब उस पूरे बिल के अंदर मोटे मोटे तौर पे देखे तो दो ही बातें हैं। एक बात तो ये कि 272 से घटा के 250 वार्ड कर दिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई?
पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड कर दिए, तो कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, क्यों किया, किस लिए किया। एक ही कारण है कि 272 से 250 कर दिए तो अब डिलिमिटेशन होगा, अगर सेम रख दे तो डिलिमिटेशन नहीं होता, तो अब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होगा तो साल दो साल के लिए चुनाव गए, तो चुनाव टालने के लिए किया। और दूसरा कि पूरा का पूरा MCD जो है वो अब केंद्र सरकार चलाएगी, ये तो संविधान के ही खिलाफ है। तो एक बार ये बिल आ जाए, इसको हम भी स्टडी करेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे फिर इसको। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मनीष जी, बजट में आपने ये कहा था कि दिल्ली में 7,000 से अधिक बस है और ये ऐतिहासिक आज है, इसमें DTC कितनी बसें हैं और क्लस्टर कितनी है और शहर की आबादी के हिसाब से कितनी बसों की जरूरत है जो कम है अभी? बसों का हमारा टारगेट इससे कहीं बड़ा है, पर मैंने ये कहा कि आज तक दिल्ली के इतिहास में दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार के 7,000 से ज़्यादा बसें कभी नहीं चली। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7,003 उसकी संख्या पहुँच गई और बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो अभी आबादी के हिसाब से तो बहुत सही है, पर इतना बड़ा बेड़ा भी कभी नहीं हुआ। थैंक यू।